भाजपा हो चाहे सपा सरकार हो, सब ये गद्दार हैं, सब ये पैसा कमाने वाले, नोट कमाने वाले, इसलिए हमारे खेमे में कोई आने के लिए नहीं तैयार होता है। अच्छा, बहुत कम लोग आते हैं हमारे खेमे में। आपकी जो तारीख रही है वो भी तो डिक्टेट करने वाली ही रही है, आप भी तो अपनी तानाशाही ही चलाते रहे हैं जहाँ भी रहे हैं। अगर आज चाइना में है, कभी तानाशाही नहीं चली है। हाँ। अगर किसी के पास कोई नजीर है तो बताए क्या नजीर उसके पास है, क्या गवाही उसके पास है तानाशाही के कम्युनिस्टों की? नजीर हमारे सामने चाइना ही है। कुछ नहीं है, चाइना ही है। अगर बोलेंगे तो गलत बोलेंगे। कम्युनिस्ट हमेशा ईमानदारी पर रहा है, ईमानदारी पर रहा, खून देना चाहता है, खून बहा देना चाहता है, खून कर देना भी चाहता है। कम्युनिस्ट गलत जगह पर रहेगा, कम्युनिस्ट कभी गलत कामों में नहीं जाता, इसलिए कम्युनिस्ट के खेमे के नीचे बहुत कम लोग आते हैं, ईमानदार बहुत कम रह गए। अच्छा, अभी ईमानदार में आपका एक मोदी सरकार के माना ईमानदारी है। दादी, आपका एक बहुत बड़ा किला था वेस्ट बंगाल, 35 साल तक आपकी सरकार थी वहाँ पे। हाँ। क्या हो गया आप? अब क्या हुआ, मोदी सरकार के पेट आप... में सब घूम गया। आपने अपनी आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज किया था ना, छेड़ा है तो सुनिए, आगरा का ताजमहल हिंदुस्तान की सारी धरोहर लूट कर अंग्रेज ले गए। आगरा का ताजमहल में तमाम मच्छरों की खुदाई थी, उसमें सोने की मुनाकारी थी और कोहेनूर हीरा लगा था, अंग्रेज सब लूट कर ले गए। ठीक है, अंग्रेज ले गए तो उससे अंग्रेज, अब यहाँ अंग्रेजों का नाम आया है तो अंग्रेज आजकल मोदी सरकार से लाखों दर्जा अच्छी अंग्रेज थी, किसी गरीबों को दुख नहीं दिया, किसी के साथ कुछ नहीं किया, अंग्रेज लाख दर्जे अच्छा।